लड़के लोग इतने पतले क्यों होते हो? सारा भाव जो तुम लोग खा लेती हो। आमिर यार, अपनी दोस्ती को भी कई जमाने हो गए। हाँ ये बात तो है, बहुत साल हो गए, बच्चा अभी तक न हुआ। अनु हाँ? एक बात बता, तू इतनी पतली क्यों है? क्योंकि सारा भाव तू ही खा लेती ना। जाकर तो धोइए दे ले खुबू, माने वो काम तोरा सा ठीक से ना होला। सुना, ज्यादा गर्मी मन देखा, तू तो तू हो, हम अपने बाप के होइले ना होई। बाप के होइले ना तो के कर है, चाचा के। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है और माँ को लगता है कि बीवी सिखा रही है। यार मान लिया सारी कथा मेरी, यार सुन तो ले। मुझे यूं ना तड़पा कि भूल जाऊं तुझे इस धूल की तरह। महज तह मालो तो का हेरत ये है। कौन वाली यार? तोरे बापो तो का हेरत है। कौन वाले भाई? यार अभिषेक, मेरे लिए गाना गा के सुनाओ ना। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं जवान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों, वीडियो लीक हो गई है क्या तुम्हारी? भाई तू उदास क्यों है? क्या बताऊं यार, घर वाले मुझसे नाराज है। क्यों यार? कल मेरा और मेरे बड़े भाई का झगड़ा हो गया और मेरे मुंह से गलती से कुत्ता निकल गया। लेकिन भाई तूने मुंह में कुत्ता डाला क्यों? अरे भाई बैठ बैठ बैठ, और बता क्या लेगा, गाजर का हलवा या खीर? नहीं क्यों भाई, कटोरी एक ही है क्या? दोनों लो यार। अरे भाई इतना खुश क्यों लग रहे हो? अरे आज मेरे घर पे बहुत बड़ी चोरी हो गई। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अरे चोर सब कुछ ले गया लेकिन टीवी नहीं ले गया। क्यों? वो मैं देख रहा था ना। और तुम रूट गए तो दिक्कत हो जाएगी, अगर मैंने मनाया तो मोहब्बत हो जाएगी। कि तुम रूट गए तो दिक्कत हो जाएगी, अगर मैंने मनाया तो मोहब्बत हो जाएगी। कुछ फासला यूं ही बरकरार रहने दो, तुम जो मर्जी कर लो मगर प्यार रहने। बोलो जी कैसा लग रहा है मेरे गोद में लेट के? क्या बताऊं? प्लीज जानू, बोलो ना प्लीज। अच्छा बाबा, ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान विष्णु शेषनाग के गोद में बैठे हैं। साहिल गाय पर चार लाइनें सुनाओ। गाय की चार टांगे होती है और एक पूंछ होती है, गाय हमें दूध देती है और गाय हमारी माता है। तुम भी सुनाओ। गाय की चार टांगे और एक पूंछ होती है, गाय हमें दूध देती है, गाय साहिल की मम्मी है और हमारी मासी है। कि अब हिम्मत नहीं है फिर से दिल लगाने की, मैं टूटे दिल को सी करके आया हूँ। और मैडम जी थोड़ी सोशल डिस्टेंस बना लो मुझसे, एक तो मैं पैदाइशी बदतमीज और ऊपर से पी कर आया हूँ। ओ भाई जरा हाथ पे पानी डालियो, क्या हो गया? अरे यार तुम्हारे यहाँ के लोग हगते भी ऐसे हैं जैसे समोसा पड़ा हो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये शायरी पसंद आए प्लीज एक लाइक जरूर करना। ए फॉर आपको, बी फॉर बहुत, सी फॉर चोरी चोरी, डी फॉर दिल से, ई फॉर एक बार, एफ फॉर फेस टू फेस, जी फॉर गले लगा के, एच फॉर हमेशा से, आई फॉर आई लव यू बोलना चाहती हूँ। अरे भाई तुम अकेले क्यों सोते हो? मेरी घरवाली नहीं है। का है भाई बड़ा परेशान बड़ा हो? का करी भाई, भगवान के दिहल सब कुछ बा, चार गो लड़का बाने सो, दू गो लड़की बिया, भगवान हमारा साथ बड़ा छल कर दिले बड़े, मेहरारू एक को दिले बड़े। कि कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले, कल रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले, फिर क्या था मैं सोता रहा और दीवारें रोती रही। गब्बर मेरा हाथ खोल के देख, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कालिया का कहा था ये? सरदार कहा था कि हाथ खोल के देखा हम कुत्ते का मूत पिए जाब। अंधे हो क्या? दिखता नहीं आपको? आप इन्हें नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानती? नहीं जानते? नहीं जानती? नहीं जानते? बता देना भाई कौन है? हवेली पे आजा। हम सर पीने पिघले हुए। हे गाइस, तो गाइस ये मेरा बचपन का दोस्त है, एक साथ ही हम बड़े हुए हैं। तो हाल ही में गाइस लॉकडाउन लगा था, आप समझ ही रहे होंगे। तो फिलहाल मेरे इस दोस्त को भीख की बहुत ज्यादा जरूरत थी। खाली सॉरी वॉरी से काम नहीं चलता, क्या करूं फिर बताओ? मुर्गे बन के दिखाओ। मुर्गा उर्गा नहीं बनूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा। इन पाबंदियों उलझनों में क्या रखा है मेरी जान,
इन पाबंदियों उलझनों में क्या रखा है मेरी जान, किसी दिन चाय पे बैठो तो जिंदगी सरल करते हैं। पापा राजनीति सिखाओ मुझे। राजनीति सीखेगा बेटा, चल फिर मार एक पंच। हाथ नहीं हटाना पापा। नहीं हटाऊंगा। राजनीति का पहला सबक, अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। महंगा दारू हाय हाय, महंगा टाड़ी हाय हाय, महंगा बीड़ी हाय हाय, संतोषवा के मेहरारू आय हाय। बेबी मुझे ये नहीं समझ आता, हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ये क्यों बोलता है यहाँ मत जाना, ये मत पहनना, ये नहीं करना, शक करना, आप क्यों नहीं करते हो? बेबी करता तो मैं भी हूँ, बट मैं आपको समझता भी हूँ, और एक दूसरे को प्यार में समझना बहुत जरूरी है। घर वालों को चिंता है कि इस नालायक से कौन शादी करेगा, घर वालों को चिंता है कि इस नालायक से कौन शादी करेगा, और दोस्तों को चिंता है कि ये कमीना किस किस से शादी करेगा। का देखा था? तहारा के ऐसे मत देखा। का है नहीं तो हमके प्यार हो जाए। ना हुई प्यार, ना हुई तो चपले चपले मारा। तू मुझे यहाँ पर नया लग रहा। हाँ भाई, यहाँ नया घर लिया है। यहाँ पर तेरी किसी से लड़ाई हो तो मुझे बताना। थैंक्स भाई, थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं है, मुझे लड़ाई देखने में मजा आता है। चलो आज बैठे बैठे न्यूज ही पढ़ लेते हैं। फेयर एंड लवली नाम मिलने से 5 लड़कियों की मौत। भाई वो मकान दिख रहा है तेरे को? हाँ भाई, बहुत अच्छा मकान है, बहुत मेहनत से बनाया मैंने उसे। तो तेरा बहुत खर्चा हो गया होगा भाई। काहे का खर्चा, मैंने तो उल्टा पैसा कमाया है। वो कैसे? मैं वहाँ पर कमठा मजदूर था यार। अरे अरे अरे, जब कोई बोलता है ना कि मुझे किसी से सच्चा प्यार हो गया, मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, मस्त जोक मारा रे। अमीर से अमीर आदमी मेरे बाप के सामने कटोरा लेके खड़ा होता है। हाय दैया, इतने अमीर है तुम्हारे पिताजी, करते क्या है? गोलगप्पे बेचते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे कहूँ? मैं बर्बाद हूँ पर आबाद हूँ, मैं हारा हूँ पर किसी का सहारा हूँ, मैं भटकता मुसाफिर वो राहते मंजिल, मैं हूँ अगर दर्द तो वो मेरा दवा है, कि मैं हूँ अगर इबादत तो वो मेरा खुदा है। जिंदगी एक अधूरी किताब सी है उनके बिना, मेरे शब्दों में छुपी रात सी है उनकी हर अदा, मैं जिसे चाह कर भी बयां ना कर पाऊं उस अल्फाज से है वो खूबसूरत एहसास है वो। अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पागल तो कुछ भी कर सकता है। भाई आज सुबह से इतना काम कर रहा हूँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। लगता है तेरे ऊपर शनि मंडरा रहा है। वैसे एक बात बता, आज सुबह तूने किस सुअर का शकल देख लिया जो तेरा दिन इतना खराब जा रहा है? मैंने हाँ आज सुबह, अबे तू ही तो आता सुबह चाय पत्ती मांगने, तेरा तो शकल देखा था मैंने। क्या साले सुअर। चाचा आपसे उधार के पैसे लेने आ रहे, आइए अब क्या करोगे? आने तो दे उसको यहाँ तक। और क्या हाल है भाई, तू मुझे डिटेल्स में बताएगा असल में उस दिन तेरे साथ हुआ क्या था? अरे यार, हर बार मैं अपनी बाइक बहुत स्पीड से चलाता हूँ, और पता नहीं उस दिन जरा सा कैसे स्लिप हो गया और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन तू यार मुझसे वादा कर कि तू अपनी बाइक कभी स्पीड से नहीं चलाएगा। हाँ भाई, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं अपनी गाड़ी कभी तेजी से नहीं चलाऊंगा। हे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास मारुति कार है? नहीं। क्या तुम्हारे पास फ्लैट है? नहीं। क्या तुम्हारे पास नौकरी है? नहीं। तो सॉरी, हमारी शादी नहीं हो सकती। अबे क्या बोल के गई है ये? हाँ यार, जब मेरे पास 5-5 BMW कार है तो मैं मारुति कार का क्या करूँगा? जब मेरा खुद का इतना आलिशान बंगला है तो मैं फ्लैट का क्या करूँगा? हाँ। और जब मेरा खुद का इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है तो मैं नौकरी क्यों करूँगा? हाँ यार।